An Academy. Let's crack it. जय हिंद मेरे साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम थ्री मार्कर स्पेशल सीरीज की चर्चा कर रहे हैं। थ्री मार्कर सीरीज में यह हमारा पेपर टू हेल्थ के लिए थ्री मार्कर का वीडियो है। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थ्री मार्कर हमारी मुख्य परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कुल मिलाकर 420 अंक के थ्री मार्कर पूछे जाते हैं, जिनमें हमें 320 से अधिक अंक अर्जित करने का लक्ष्य बनाकर चलना है। तो साथियों, पेन कॉपी लेकर आप तैयार हो जाइए इन थ्री मार्कर्स को अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो लाने के लिए आपका सब्सक्राइब करने का मोटिवेशन ही हमें प्रेरित करता है। हमारा 11वां प्रश्न है, उस पर चर्चा करते हैं, जो कि है लोक सेवाएँ। लोक सेवाएँ क्या होती हैं? सरकार द्वारा गठित ऐसी सेवाएँ जो समुदाय के सदस्यों के कल्याण व उस समुदाय के सदस्यों के हितों के संरक्षण पर केंद्रित होती हैं व उन्हीं पर समर्पित होती हैं, लोक सेवाएँ कहलाती हैं। लोक सेवकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, किंतु इनका चयन UPSC द्वारा किया जाता है या राज्यों के मामले में राज्यों के लोक सेवा आयोगों द्वारा इनका चयन किया जाता है। लोक सेवाएँ अखिल भारतीय, केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय आदि प्रकार की होती हैं। ये लोक सेवाओं के अंतर्गत आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा 12वां प्रश्न था, इसमें पूछा गया था कि महिला सुरक्षा हेतु CRPC में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे प्रावधान लिख देते हैं। धारा 46 है, जिसमें लिखा गया है कि सूर्यास्त के पश्चात महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। वहीं धारा 160 कहती है कि महिलाओं को उनके रहवास के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थिति हेतु आवश्यक रूप से बाधित नहीं किया जा सकता है। धारा 53 कहती है कि महिलाओं के चिकित्सीय परीक्षण के लिए केवल एक महिला डॉक्टर ही मान्य होगी, अन्य कोई डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर उसका चेकअप नहीं कर सकता। धारा 164 कहती है कि किसी बलात्कार पीड़ित यदि महिला है, वह अपना बयान तत्कालिक रूप से कलेक्टर के समक्ष रख सकती है। यह उसे अधिकार 164 बी धारा में दिया गया है। अगला प्रश्न था साइबर अपराध। साइबर अपराध क्या होते हैं? तो कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रिक माध्यम के द्वारा किए गए ऐसे अपराध जो कि किसी व्यक्ति की शीलता या निजता को भंग करते हैं या उसकी निजता का हनन करते हैं, साइबर अपराध कहलाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा साइबर अपराधों को दंडनीय अपराध बनाया गया है। जैसे उदाहरण की बात करें तो साइबर बुलिंग, हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग आदि बहुत सारे साइबर अपराध के प्रकार हैं। 14वां प्रश्न है उपभोक्ता। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 के अनुसार उपभोक्ता ऐसा व्यक्ति है जो किसी वस्तु या सेवा को क्रय करने हेतु भुगतान करता है, उपभोक्ता कहलाता है। यहाँ पर उपभोक्ता की परिभाषा पूछी गई थी, इसलिए आप इतना लिख सकते हैं। यदि और कुछ भी पूछा जाता तो इसी अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता को प्रदान किए जाने वाले अधिकार भी आप लिख सकते थे। जागो ग्राहक जागो नामक एक अभियान भी चलाया गया था उपभोक्ताओं के लिए, उसे भी आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि अंतिम प्रश्न है, सिविल अधिकार। सिविल अधिकार क्या होते हैं? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 2 के अनुसार सिविल अधिकारों से आशय ऐसा कोई अधिकार है जो कि संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिए जाने के कारण किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। अर्थात अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत करने के बाद व्यक्ति को जो भी अधिकार प्राप्त होगा वह सिविल अधिकार होगा। इस प्रकार यहाँ पर हमारे थ्री मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत और ढेर सारा समय लगता है। इसलिए निरंतर रूप से हमें मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें आपका भी फायदा है, क्योंकि आपको थ्री मार्कर प्रश्न प्राप्त हो जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
हम जान लेते हैं इंडियाज लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एमपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं अथवा फ्री लाइव टेस्ट भी अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। सेकंड स्टेप, आपको अपनी ईमेल आईडी एवं फोन नंबर के थ्रू वहां रजिस्टर कराना होगा और अपना गोल सिलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। सेकंड स्टेप, आप ऐप के लेफ्ट कॉर्नर में मेनू बटन पर जाकर स्पेशल कोर्सेज के थ्रू फ्री लाइव क्लासेस एवं फ्री लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्री डेमो क्लास जो रहेंगी उनमें आपको क्या मिलेगा वह हम देख ले रहे हैं। यह एक फ्री डेमो क्लास रहेंगी। सेकंड, यहां आपको टीचर से इंटरकनेक्ट होने का अवसर मिलेगा। टीचर से आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, पोल अटेम्प्ट यहां आप कर सकते हैं और नोट्स को भी डाउनलोड कर पाएंगे। सेकंड थिंग, जो टेस्ट रहेंगे आपके यह ऑनलाइन फॉर्मेट में रहेंगे। आप ऑनलाइन मोड में टेस्ट देंगे, आपको अपना स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा और साथ ही साथ स्टूडेंट के मध्य आपकी रैंक दिखाई जाएगी जिससे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं और प्रत्येक टेस्ट का आपको वीडियो डिस्कशन भी देखने को मिलेगा। इस फॉर्मेट में यह आपका लाइव क्लासेस चलेंगी जहां आप पोल अटेम्प्ट कर पाएंगे, नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे और इस तरह से आप टीचर से भी लाइव चैट कर पाएंगे। नेक्स्ट, जो टेस्ट रहेंगे आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में देना होगा। यहां आपका प्रत्येक टेस्ट का स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, रैंकिंग आपकी जारी की जाएगी, साथ ही साथ वीडियो के रूप में आपको लाइव डिस्कशन भी उसका देखने को मिलेगा। आप यहां पर किसी भी एमपी का जो कोई भी एग्जाम है जैसे एमपीपीएससी हुआ, एमपीएसआई हुआ, व्यापम हुआ या फिर जो कांस्टेबल भर्ती, जेल प्रहरी, सभी भर्तियों के लिए आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त एमपीपीएससी के लिए रात 8 बजे से डेली आप 20 क्वेश्चन का एक सेट यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी चलता है। क्या अंतर फ्री क्लासेस और प्लस सब्सक्रिप्शन में रहता है वह हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ आपका लिमिटेड सिलेबस कवर होता है फ्री क्लासेस में, जबकि प्लस सब्सक्रिप्शन में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाता है। ऑकेशनल प्रैक्टिस टेस्ट अर्थात सीमित टेस्ट पेपर रहेंगे, जबकि यहाँ आपके अनलिमिटेड टेस्ट पेपर रहेंगे। ऑकेशनल पीडीएफ मिलेंगी अर्थात सीमित नोट्स मिल पाएंगे आपको, जबकि प्लस सब्सक्रिप्शन में संपूर्ण सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन रहेगा फ्री में, जबकि यहाँ आपका ऑल डाउट सॉल्व किए जाएंगे। आपको साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के एक अनअकैडमी की वर्चस्व नाम से करंट अफेयर्स मैगजीन आती है जो कि अर्धवार्षिकी रहती है, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको एक प्रश्न बैंक भी यहां प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगी। साथ ही साथ अनअकैडमी के कुछ जो बैच अक्टूबर माह में स्टार्ट हुए हैं वो आप देख सकते हैं जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ रहेंगे। यह बैचेस अक्टूबर माह में स्टार्ट हुए थे, इन्हें आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नवंबर में भी कुछ बैचेस शुरू हुए हैं, इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह बैचेस एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी व्यापम जो भी एग्जाम है एमपी के सभी के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। जो एडमिशन फी है या प्लस सब्सक्रिप्शन है वो आप एक बार देख सकते हैं। इसको आप 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 6 मंथ, 12 मंथ या फिर 24 मंथ के लिए ले सकते हैं। जहां हम 24 मंथ की बात करें तो 12,800 रुपये इसका चार्ज है। यदि आप हमारे कोड से यहां इसे परचेस करेंगे तो 10% आपको डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा, अर्थात 12,800 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपको हमारे कोड से 11,520 रुपये के थ्रू मिल जाएगा, जो कि 24 माह के लिए वैलिड रहेगा। तो आज ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।